चलो बताइए मैम कैसा रिजल्ट आपका। बढ़िया है। मैंने 5 डेज में 1.6 केजी 1.6 केजी कम करा है। वेरी गुड। 5 डेज और भी कोई बेनिफिट हुआ इसके अलावा? वजन तो कम हुआ है। नहीं सर, मेरे को और कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं थे, पर मेरा वेट ही ज्यादा है। पर और कुछ नहीं। सुंदर से क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी दोस्तों समय हो चुका है टॉपिक का, एजुकेशन पार्ट बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन हमें ना मिली होती तो हम भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाता। मेरा नाम संजीत कुमार है, आप देख सकते हो मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया था। 28 किलो मेरी वाइफ ने कम किया है। उनको काफी सारे हेल्थ इश्यू थे, उनका नी प्रॉब्लम था, अल्सर था, बैक प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो जब ये रिजल्ट आया 28 किलो, उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया, मैं भी अपना 14 kg वेट रिड्यूस कर सका हूँ। थैंक यू माई कोच एंड सर एंड मैम और एक सभी वंडरफुल कोचेज के लिए जो एजुकेशन हम देते हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है सेशन का। आरके सैनी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। एंड ओवर टू विवेक सर। नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार सैनी है और मैं भिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 27 साल से इस लोकेशन में रह रहा हूँ। मेरी इस सिस्टम में आने से पहले सेहत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें अपनाता भी था, जैसे बहुत सारे लोग सलाह देते हैं खाना कम करो और साथ साथ घूमो फिरो, एक्सरसाइज और कुछ खान पीन के लिए बहुत सारी चीजें मैं ट्राई की, लेकिन कभी भी वजन कम नहीं हुआ। और जैसा कि मैं एक्सरसाइज करता था तो एक्सरसाइज करते करते कब 2 घंटे निकल गए कभी पता नहीं लगता, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सिस्टम में आया 1 वीक में मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुआ और 15 दिन में मेरा 1.25 किलो वजन कम हुआ। जैसे मेरा वजन कम हुआ मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मेरे कोच ने जैसे मुझे गाइड किया, मैंने अपने खान पान को चेंज करते हुए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए इस सिस्टम में रह के मैंने 5 महीने में 18 kg फैट लॉस किया है और 8 साल से लगभग मैं मेंटेन कर रहा हूं। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने कोच मिस्टर पारिक अनामिका जी का, जिन्होंने मेरी सेहत में बदलाव किया। और इस सिस्टम के द्वारा उस समय ऑफलाइन होता था लेकिन वहां पे इतना मिलना नहीं होता था, रोज रूबरू बात नहीं होती थी, लेकिन मेरे कोच मुझे पर डे गाइड करते थे, तो वो उसी के द्वारा पॉसिबल हुआ। और मेरे घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, मैम ने उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां खाई। 20 साल तक हम कंटिन्यू हर 6 महीने ब्रेक देने के बाद नए डॉक्टर की तलाश में रहते थे और वहां से हमने बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद सेहत भी बिगाड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैम ने इस न्यूट्रिशन को खाया, कंटिन्यू 1 साल तक खाया, 1 साल के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ और अब से 6.5 साल पहले हमारे यहाँ ट्विंस बेबी आए हैं। वो प्रीमैच्योर थे, डॉक्टर ने बोला था इनको हॉस्पिटलाइज रखना होगा और ये बीमार रहेंगे, लेकिन यहाँ के जो खान पान और यहाँ का जो सिस्टम है उससे मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग रहा और न्यूट्रिशन उनको मैं प्रोवाइड कराता रहा। डायग्नोस्टिक बच्चों ने कंटिन्यू लिया, जब 1 महीने के अंदर ही शुरू करा दिया था और कंटिन्यू डायग्नोस्टिक लिया, आज तक कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो थैंक्स करना चाहेंगे इस न्यूट्रिशन का, इस अच्छे खाने का। ये खाना नहीं है, एक जादू है, अमृत है, जिससे आज हम अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक है लोग वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन वजन कम नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं जैसा कि मैंने भी ट्राई किया था, तो वजन कम क्यों नहीं हुआ और इसके क्या कारण है। कि वजन कम ना होने का कारण है कि इंसुलिन प्रतिरोध, जब शरीर में इंसुलिन का लेवल अधिक हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारी कोशिकाएं सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाती है और जो ग्लूकोज हमारी कोशिका में प्रवेश करना चाहिए वो नहीं कर पाता है और जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो शरीर के अंदर जो खाने के द्वारा मिलता है वो फैट के रूप में जमा होने लगता है और जिसकी वजह से हमारा वजन कम नहीं हो पाता है। दूसरा है हमारा तनाव, जो बॉडी के अंदर हमारे शरीर में हमारे दिमाग में तनाव है, तो हमारा जो अत्यधिक तनाव के कारण जो डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, इसके कारण हमारा कार्टिसोल का जो लेवल है, जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हम वजन कम नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें मीठा मीठा या नमकीन खाने का जो ग्रेवी है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हम वजन कम नहीं कर पाते हैं। और अगला कारण है हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को, चाहे लेडी जेंट्स, हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसमें क्या होता है, शरीर में
ठंड लग सकती है, कब्ज होना, स्किन ड्राई और वजन कम ना होना, अचानक वजन बढ़ना, ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे वजन हमारा बढ़ता ही जाता है, वजन कम नहीं हो पाता है। और कुछ जिससे लेडीजों के अंदर प्रॉब्लम होती है पीसीओएस, ये आज लेडीजों के अंदर आम बीमारी बनती जा रही है, जिसके वजह से बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, वो असंतुलित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं का वजन नहीं घट पाता है और वो एक्सरसाइज तो करते हैं नहीं हो पाता है, तो उससे वजन उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। और जैसे ये भी लेडीजों की प्रॉब्लम है मेनोपॉज, जैसे 45 या 50 की एज में ये आना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल है वो घटता जाता है, और जैसे भूख बढ़ना, ये हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ जाता है और वहां पे वजन कम नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और इससे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जो सिंपली है, आज हम लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं, पानी कम पीते हैं, खासकर मॉर्निंग टाइम में, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा और हमें सुस्ती, थकान, ये सारी चीजें रहेंगी और हम वजन कम नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हमें क्या करना चाहिए कि हमें शुरू में ही, जैसे आप जागते हैं, जागते ही 1 से 2 गिलास पानी बिना कुल्ला किए आपको पीना है। यहां से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो जो था वो फास्ट होना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी में जो कैलोरी है वो 0 कैलोरी जाता है। तो ये पानी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को आपके फास्ट करेगा और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेगा और आपको वजन घटाने में मदद करेगा। अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो जैसे ये हमारी प्रॉब्लम है वो तो डिसबैलेंस होंगी और वजन के साथ साथ हमें बहुत सारी जैसे बॉडी में बेचैनी है, ये आपको रात को नींद आना और नए नए पेन की शिकायत, खासकर लेडीजों में शिकायत रहती है कि शरीर में दर्द है, तो पानी तो पी नहीं रहे, वो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें जो सबसे पहले, अगर हम अपने सेहत को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो नंबर एक आपको मॉर्निंग में 1/2 लीटर पानी पीना ही है। अगर आप 1/2 लीटर पानी पिएंगे, 1 से 2 गिलास पानी पीना शुरू कर देंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है, हमें अपने ब्रेकफास्ट को चेंज करना है, ब्रेकफास्ट को जरूर करना है। जैसा कि हमारे यहां भ्रांति है, जब तक हम पूजा पाठ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं खाएंगे। जेंट्स लोग ड्यूटी की वजह से या काम की वजह से वो अपने काम पे निकल जाते हैं, तो वो तो अपना कुछ नाश्ता कर लेते हैं और उसमें भी हमारे नाश्ते में क्या होता है, ज्यादातर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, जहां पे हम बिस्कुट, नमकीन या पराठे खाते हैं, उसमें क्या है, हमारा फैट, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है वो ही ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपने ब्रेकफास्ट को चेंज करना है। अगर हम सुबह के समय में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, आप अपने बॉडी के जितने भी डिस्टर्बेंस हैं, आज बीपी, शुगर, ये बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये बढ़ने का कारण है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट ना होना और प्रॉपर ना होना। अगर आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, इस ब्रेकफास्ट के अंदर 14 से लेके 24-25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ये मिनिमम 14 ग्राम प्रोटीन से 25 ग्राम जो मेडिकली साइंस बताती है ये आपको लेना चाहिए। अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको सुबह कुछ खा के गए, जैसे आजकल पोहा या पराठा, बिस्किट, ये बहुत सारे ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपकी बॉडी में जल्दी पच जाएंगे और आपको दोबारा से फिर क्रेवी होगी, आपको फिर भूख लगेगी, आप जल्दी कुछ खाना खाएंगे और उससे आपका वजन और बढ़ता जाएगा। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट, यहाँ पे जो हमें बैलेंस तरीके से चाहिए, हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सारी चीजें चाहिए। अगर ये हमारे खाने में होंगी तो हम अपने सेहत को भी मेंटेन रख पाएंगे, अपने वजन को भी घटा पाएंगे। अगर
किसी को बढ़ाने की जरूरत है, बॉडी में वीकनेस है, तो वो भी हम अपने चैलेंज को ठीक कर पाएंगे। तो जो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें हमारे शरीर की जो जरूरत है, हमारे को फिट रखने की जो जरूरत है, तो हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो हमें मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट, पहले तो आपको पानी का इंटेक करना ही करना है, साथ साथ अपना जो फॉर्मूलावन हमारे सिस्टम के द्वारा जो आपको एक संपूर्ण मील यानी कंप्लीट फूड के तौर पे आपको फॉर्मूलावन प्रोवाइड किया जाता है, इससे आप अपना, मेरा भी तैयार है, ये सुबह का मेरा 7 से 7:30 के बीच में होता है, जो हमारा नियम कहता है कि 9 to 7 यानी सुबह का ब्रेकफास्ट हमें किसी भी हालत में 9 AM यानी 9 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए, और 12 से 2 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट के सॉरी लंच होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का और लंच का 5 घंटे का मिनिमम आपको अंतर रखना चाहिए, और शाम का जो खाना है या शेक है, जो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो 7 से 8 के बीच में होना जरूरी है। तो यहाँ से हम एक अपनी शेप को मेंटेन रख पाएंगे, अपने जो टारगेट है हमारा, जो भी हम वेट लॉस या मेंटेन करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं हेल्प करना चाहूंगा सिस्टम का, जहाँ पे इतना अच्छा खाना प्रोवाइड किया गया है, और साथ साथ आपको नॉलेज हमें क्या चाहिए, तब तक हम अपने जो हमारी चॉइस है, जो हम चाहते हैं कि हम फिट रहे, हम स्वस्थ रहे, हम बीमारी से मुक्त रहे, तो नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने खान पान को या जो सिस्टम है एक टाइम मिली उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सिस्टम का, मार्क्यू का, जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया, और अपने कोच का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाके अपनी मेरी सेहत ठीक कराने में मदद की, और दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो थैंक्स यू हरीश सर, अनामिका जी को, ओवर टू सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमार जी के लिए। जबरदस्त टॉपिक दिया कि कैसे आप अपने वजन पे काम कर सकते हैं, अपनी कैलोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स बताए, इस वजह से वेट बढ़ता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वेट बढ़ेगा, आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, पीछोड़ की दिक्कत है तो वेट बढ़ेगा, तो उस पर काम करना है। पानी का कितना बड़ा रोल है, कैसे बात है कि पानी बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत जरूरी है, सुबह का ब्रेकफास्ट जो एक हेल्थी ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो सारी चीजों पे काम करना है। एक बार फिर दोबारा क्लैपिंग करेंगे राजकुमार जी के लिए, और सही शाम को 7 बजे फिर नए कोच के साथ, नए वर्कआउट के साथ शाम को रेडी रहेंगे सभी लोग। थैंक यू सभी का, थैंक यू।